नमस्कार, बुलेटिन में आपનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું ચિત્રા. અત્યારે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. ટોક્યો ઓલિમ્પિક્સ થી સામે આવી રહ્યા છે. ટોક્યો ઓલિમ્પિક્સ માં ભારતીય મહિલા હોકી ની ટીમ ની શાનદાર જીત નોંધાઈ. ઓસ્ટ્રેલિયા ને 1-0 થી માત આપી છે. આપણે જણાવી દઈએ કે ટોક્યો ઓલિમ્પિક્સ માં ભારતીય મહિલા હોકી ની જે ટીમ છે તેની જીત નોંધાઈ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા ને 1-0 થી માત આપી. મહત્વની વાત છે કે આ મેચ ઉપર પણ દારોમદાર રહેલો છે. पहले थी ज्यारथी मैच शुरू थई हती त्यारथी खास तो क्वालिफायर मैच हती, त्यार बाद क्वार्टर फाइनल अने हवे जे आजनी मैच हती तेमा हवे मेडल नी आशा एक रीते देखाई रही छे. 1-0 थी मात आपी छे ऑस्ट्रेलिया ने. भारतीय महिला हॉकी टीमे कमाल करी बताव्यु छे. तो महिला हॉकी टीम नी जीत थई छे टोक्यो ओलम्पिक्स में. आपने जणावी दे के महिला हॉकी ए भारत में इतिहास रच्यो छे. सेमीफाइनल में ते पहुंची चुकी छे. ऑस्ट्रेलिया ने हरावी ने महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची छे. बीजी तरफ पुरुष जे हॉकी टीम पण छे तेनी पण आगे कूच यथावत छे. तो महिला हॉकी टीमे एक रीते आश्चर्यचकित तमाम ने कर्या अने टीमे ऐतिहासिक जीत मेळवी छे. अत्यारे महत्वपूर्ण समाचार टोक्यो ओलिम्पिक्स थी आवी रह्या छे. आजनो दिवस पण खूब ज महत्वपूर्ण बनी रहेशे कारण के सवारथी ज आ हॉकी मैच हती, जे बाद आगळ पण डिस्कस थ्रो नी मैच थवानी छे, तेमां पण आजे भारत ने मेडल नी आशा सेवाई रही छे. तो आपने जणावी दी के भारत तरफथी गुरजीत कौरे गोल कर्यो हतो. 1-0 थी ऑस्ट्रेलिया ने मात आपी. एक गोल करवामां आव्यो जेमां गुरजीत कौरे कॉल कर्यो जे गोल छे ते कर्यो छे. टोक्यो ओलिम्पिक में भारतीय महिला हॉकी टीमे इतिहास रच्यो छे. टोक्यो ओलिम्पिक्स में भारतीय महिला हॉकी की जो टीम है ते सेमीफाइनल में पहुंची चुकी है, एटले के मेडल चौक्कस थी नक्की है आ टीम तरफ थी. बीजी तरफ पुरुष हॉकी टीमे पण गईकाले कमाल कर्यो छे. 41 वर्ष बाद पुरुष हॉकी टीम पण टोक्यो ओलिम्पिक में शानदार प्रदर्शन करी रही छे. महिला हॉकी टीम पण सेमीफाइनल में पहुंची छे. भारत तरफ थी एक गोल करवामां आव्यो जेमां गुरजीत कौरे आ गोल कर्यो हतो अने जीतनी साथे आ टीम सेमीफाइनल में पहुंची. गोलकीपिंग की गई, ऐसी गोलकीपिंग बहुत कम दिखाई देती है. आधा दर्जन से ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर मिले. मैच के आखिरी 3 मिनट में लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले. बावजूद इसके अगर भारतीय टीम ने जीत हासिल की है तो ये इसके जोश, जज्बे और इतिहास रचने की जो चाहत है उसकी जीत है. पदक की उम्मीद कितनी बढ़ती है समीर, इसके बाद आप कुछ नहीं कह सकते. जब टीम इस तरह का खेल खेलेगी तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया नहीं कोई भी टीम हो, वर्ल्ड क्लास टीम हो. अब इसके बाद मुकाबला उस 4 क्वार्टर्स में अपने जोश को, अपने मनोबल को और अपने आप को मेंटेन करने का है. फिटनेस हमने देखी टीम की, टीम का उत्साह हमने देखा और ये टीम जो कहते हैं ना जीत की भूख, वो भूख दिखाई दी इस टीम में. और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दिन है भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए, क्योंकि ये वही टीम है जो शुरुआत में 3 मैच हार गई थी और ऐसा लग रहा था कि पहुंच तो गए हैं ओलंपिक्स तक लेकिन शायद एक बार फिर आखिरी पायदान की टीम होगी. लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 मैच भारत ने जीते और उसके बाद जिस तरीके से आज का मैच जीता यह दिखाता है कि शुरुआत में 3 मैच हारने के बाद भी जो बाउंस बैक करने की क्षमता है इस टीम की वो कमाल की है. एक बार फिर यानी महिला हॉकी टीम ने शिवेंद्र यह साबित कर दिया है कि जोशो जुनून में हिंदुस्तानियों का कोई तोड़ नहीं. बिल्कुल कोई तोड़ नहीं, मतलब आज के मैच में वही कह रहा. और सबसे बड़ी चीज समीर, एक चीज और देखिए, कोई भी टीम गेम जो होता है उसके बारे में कहते हैं कि एक खिलाड़ी की इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आप एक मैच तो जीत सकते हैं लेकिन अगर आपको लगातार जीतना है तो 11 खिलाड़ी उसमें जरूरी होने चाहिए. पिछला मैच आप देखिए, वंदना कटारिया ने 3 गोल किए. भारत के तरफ से ओलंपिक की हिस्ट्री में पहली खिलाड़ी बनी जिन्होंने हैट्रिक लगाई. और सोचिए, अभी कुछ महीने पहले उनके पिता का निधन हुआ था. वो बिचारी बायो बबल में थी, वो आ भी नहीं पाई अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए. लेकिन उसके बाद का कमिटमेंट देखिए, मतलब मैं शायद 100% कमिटमेंट कम कह रहा हूं, अगर 100% कमिटमेंट से ज्यादा कोई चीज हो. आज जिस तरीके से गुरजीत कौर ने एक गोल किया और पेनल्टी कॉर्नर पे जिस तरह की गोल कीपिंग हुई है, अनबिलीवेबल समीर. इतना शानदार खेल भारतीय हॉकी टीम से, सच बताऊं तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि भारतीय महिला टीम ऐसा शानदार परफॉर्मेंस करने वाली है, लेकिन कमाल का इतिहास रचा है टीम ने. बिल्कुल, और बहुत रोमांचक मुकाबला था. मैं तो मैच देख नहीं पाया क्योंकि स्टूडियो में था, लेकिन शिवेंद्र आपको यह मौका मिला और मैच पर आप जो है अपनी निगाहें बनाए हुए थे. कौन कौन से रोमांचक मोड़ आए, क्योंकि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर भी बड़ा कौतूहल था लोगों को इस मैच को लेकर. सबसे बड़ी चीज तो वही थी समीर, जब आखिरी 3 मिनट में 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले और भारतीय टीम अपना रेफरल यूज कर चुकी थी, यानी भारतीय टीम उस रेफरी के उस फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी और भारतीय फैंस यही सोच रहे थे, उनकी सांसें रुकी हुई थी.